नमस्कार सभी के बारे आप सब लोगों का हमारे भोजपुरी सभी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आप लोगों के साथ कौन डोसा का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। एक डोसा खाए में एकदम सादा डोसा और पेपर डोसा की तरह ही स्वाद में लगेला, लेकिन एक आकार में बदलाव होला और एक छोटे बच्चे देख के बहुत खुश हो जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कौन डोसा कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार होता। तो ऐसा क्रिस्पी और कुरकुरा डोसा बनाने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा पसंद आए तो और लोगों के साथ शेयर भी कर दें। और यदि चैनल पर नया है, ऐसे ही बहुत सारा रेसिपी भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो कौन डोसा बनाने के लिए सबसे पहले डोसा बैटर की आवश्यकता लगी, तो यहाँ पर हम डोसा का बैटर पहले से बना के रख ले लें। यदि आपकी डोसा बैटर का रेसिपी चाहत हुई तो वीडियो के अंत में डोसा बैटर का रेसिपी लगल है। तो अब हम गैस की मध्यम आंच पर खोल लेते हैं और ऊपर रख देते हैं एक नॉनस्टिक की तवा। आप चाहें तो लोहे की तवा पर भी बना सकेला, लेकिन नॉनस्टिक की तवा पर यदि आपके एकदम बिल्कुल डोसा बनाना ना हो तब भी आप बना सकेला। और ये प्याज हम काट के ले लेना है और एक चम्मच में लगा के ये प्याज के सहारे तेल लगावे के है, तो ऐसे बहुत बढ़िया से तेल लग जाए। डोसा बनावे के समय तवा के तापमान का विशेष ध्यान देवे के है। तवा न ज़्यादा गर्म रह चाहिए न बहुत कम गर्म रह चाहिए। तो यदि जब तेल लग जाए और तवा आपका अच्छा गर्म हो जाए तो उसपे पानी छिड़क दें। पानी छिड़कने से तवा का तापमान एकदम एक जैसा हो जाला। तो यहाँ पर अब हम पानी छिड़क देते हैं और एक साफ सूती कपड़ा से पानी के पोंछ देवे के है, तो ऐसे तवा का तापमान एक बराबर हो जाए डोसा फैलावेला। और गैस का आँच एकदम मध्यम ही रखे के है, तेज ना करे के है न बहुत कम करे के है। तो अब हम लोग का तवा एकदम परफेक्ट डोसा फैलावेला हो गया। तो यहाँ पर एक कड़छी बैटर लेके हम ये तवा पर फैला देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से तवा पर डोसा बैटर के फैला दें, और जब ये अभी हल्का गीला ही रहे तब हमें चाकू के सहारे बीच में से एक कट लगावे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से एक कट लगा देवे के हमें, और ये डोसा के बढ़िया से जैसे हम लोग सादा डोसा और पेपर डोसा सेकी ना जाए उसी तरह से सेक लेवे के है। और जब ये डोसा सीख जाए एकदम बढ़िया से तो अब यहाँ पर आज के बढ़ा के सेकें, और जैसे ही आपको डोसा ऊपर से थोड़ा सा सीख जाए तो उस पर एक चम्मच रिफाइंड तेल डाल दें, और उसके बाद तेज आंच करके थोड़ा सा घुमा घुमा के डोसा के बढ़िया से सेक लें। और ये डोसा हमारे एक की बढ़िया से सेक के तैयार हो गया। अब जहाँ से हम बीच में डोसा के कट लगा ले रहनी है वहीं से एक सिरा उठा के मोड़ देवे के धीरे से। तो आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से डोसा के मोड़त एक सिरा से दूसरे सिरा पर चले आवे के है। तो आपका बिल्कुल कौन डोसा बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मोड़े के हम, और यहाँ पर हमारे एक कौन डोसा बन के तैयार होगा। और ये डोसा का रंग कितना बढ़िया लगा था, एकदम बाजार वाले डोसा जैसा नहीं दिखाई देता। और ये डोसा पेपर डोसा और सादा डोसा के अपेक्षा ज़्यादा कुरकुरा होला और क्रिस्पी होला। तो यहाँ पर हमारे एक डोसा बन के तैयार हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना कुरकुरा और क्रिस्पी बन के तैयार वाला। तो ये डोसा के आप सांभर, चना दाल की चटनी, नारियल की चटनी के साथ खा सकेला, खाए में बहुत स्वादिष्ट लगेला। और ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई दे। तो आशा है कि आप लोगों की हमारी कौन डोसा का रेसिपी पसंद आई हुई। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।